नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में पार्टियां तैयार हैं और अन्य पार्टियों से मोल भाव कर रही हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन भी बिखर चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ पार्टियां हैं जो इसे जिंदा रखे हैं। उन्हीं पार्टियों में से एक पार्टी समाजवादी पार्टी है, जिसका वर्चस्व यूपी में है। इसी को लेकर अखिलेश यादव को ओवैसी ने धमकी दी है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में अब इंडिया गठबंधन का समझौता हो चुका है और यह समझौता अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई है, जिसके मुताबिक 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन टूट गया है, जिससे समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें ऑफर की थी, लेकिन अचानक रिश्ते तल्ख हुए और फिर जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए। अब सारी बातें लिटमस की तरह साफ है कि बीएसपी अकेले लड़ेगी, बीजेपी रालोद निषाद पार्टी अपना दल के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन इसी बीच बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला जब ओवैसी इसमें एंट्री ले ली और खुले तौर पर अखिलेश को कह दिया कि हमें यूपी में 5 सीटें दे दो, नहीं तो हम 25 सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे। इस बयान पर अभी प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन अगर ओवैसी के पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया तो बीजेपी बिना मेहनत किए ही जीत जाएगी, क्योंकि पिछले चुनाव में आप समीकरण जान चुके हैं। यूपी चुनाव 2022 के दौरान AIMIM ने अखिलेश यादव के माए मुस्लिम यादव समीकरण को गहरी चोट दी थी और करीब दर्जन भर विधानसभा सीटों पर पार्टी ने समाजवादी पार्टी की हार तय कर दी। इससे आप ओवैसी की ताकत को जान सकते हैं। ऐसे में जोड़ तोड़ के लिए ओवैसी ने अपनी चाल चल दी है। देखना होगा कि इस बार समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है। तो यूपी का पूरा खेल समझ लिया होगा। इसी को अपनाते हुए AIMIM प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने बयान दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। प्रवक्ता ने कहा कि गठबंधन के तहत सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अगर SP की ओर से 5 सीटें नहीं दी गई तो हम 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। फरहान ने यह भी कहा कि उसके बाद अगर मतों का बिखराव होगा तो उसकी जिम्मेदारी सपा की होगी। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। तो आप समझ गए होंगे कि क्या मामला है और क्यों। वैसे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि माहौल देखकर ओवैसी की पार्टी ने सही दांव खेला है। अब गेंद अखिलेश यादव के पाले में है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। क्या अखिलेश यादव 5 सीटें देते हैं या वोट कटवाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को जीतने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।